नमस्कार। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बारकोड जनरेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमें देखना चाहते हैं वो आपको दिखाऊंगा। हमारे पास एक कंपनी है राजा रानी फैशंस, एक गारमेंट का दुकान है। इस कंपनी का आइटम का डिटेल देखिए। सो यहाँ के स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन में हमें दिख रहा है कि स्टॉक नेम एंड पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर क्या होगा, बारकोड जनरेट हो जाएगा। और सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन एंड रिमार्क कर लिए, साइज में डाल दिया और कौन सा टाइप के है, सारीस या जीन्स के लिए हमने ग्रुप बना दिया है। और स्टैंडर्ड रेट सेलिंग रेट के लिए, एमआरपी रेट के लिए हमने बनाया 500 रुपीज़, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में डाला। एंड सेम टू सेम कौन सा पार्टी से हमने खरीदा है, इसके लिए हमने क्या बनाया, एक अलिया सिस्टम्स में सो डाला है। तो मतलब ये बारकोड में ये पार्टी का अलियास भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सो कैसे ये बारकोड प्रिंट दे सकते हैं। सो बारकोड प्रिंट करने के लिए दो तरीका है, एक परचेज से कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सो हम परचेज से ले करने के लिए हमें इंस्टेंटली हमने क्या डे बुक में एक परचेज एंट्री ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। सो ये परचेज एंट्री श्री राधा गोविंद सारी से हमने खरीदा है। सो राधा गोविंद सारीज को ऑलरेडी हमने क्या बनाया है, एक स्टॉलियास लग चुका है, सो SRGS। सो यहाँ से मैंने RG सारीज 390 एम दो पीस लिया है और RG कोकोनट सारीज 1185 का एक दो पीस लिया है हमने। सो नाउ यहाँ पे एक हमने बटन दबा दिया है SO प्रिंट लेबल्स। सो जैसे हम ये लेबल निकालते हो ना, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। सो राजा रानी फैशंस और बारकोड के लिए सभी सेक्शन SRGS। सो कौन सा पार्टी से हमने खरीदा है था, सो मतलब यहाँ पे सारी ग्रुप ऑफ सारी कितने हैं, सो उसका MRP इंक्लूसिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। सो ये बारकोड लेबल आपको प्रिंट निकल जाएगा। सो इसके बाद इमीडिएटली हमें कोकोनट सारीज का भी है, सो वो सारीज का भी हमें ये आना। सो दो कॉलम का बारकोड टेबल से हमें ईजी एंड ब्यूटिफुली निकल जाएगा। अगर आपके पास बारकोड प्रिंटर हुआ तो ये बारकोड प्रिंट निकालने के लिए कुछ सेकेंडों में आपको सभी निकल जाएंगे और ये सभी इतना परफेक्टली अलाइन है कि आपको कोई दिक्कत का नहीं पड़ेगा। सो ये डेमोस्ट्रेट हो गया ही परचेस है। अभी मुझे सिंगल प्रिंट निकालना है और कैसे जाना है, सो वो आप उसका डेमोस्ट्रेशन अब देखेंगे। इन्वेंट्री इन्फो एंड यहाँ पे ऑप्शन है ना प्रिंट इंडिविजुअल लेबल। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमें पूछेगा स्टॉक आइटम नेम। हमें यहाँ हम यहाँ पर स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे और कौन सा परचेज से किया था। सो और यहाँ से क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5 क्वांटिटी। नाउ जैसे हमने दूसरा आइटम चाहिए तो दूसरा आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे हमने सेलेक्ट एंट्री मारता हो ना, सो यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल बार कोड भी आप निकाल सकते हो, जितना क्वांटिटी चाहिए था उतना क्वांटिटी। मतलब हमने 5 किया था 5, मतलब यहाँ से 3 लेबल आना चाहिए। पहले वाला लेबल है और इससे प्रिंट होने के बाद और दूसरा वाला आ जाएगा और इसके थर्ड वाला एक ही आ जाएगा, मतलब 2 2 प्लस 1। सो टोटली 5 क्वांटिटी हमने प्रिंट निकाला था। सो 5 क्वांटिटी लेबल्स यहाँ पर प्रिंट निकल गए। सो ये रही इंडिविजुअल बारकोड भी निकलने का एक तरीका है।